For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. अब उस शो की पहचान के बारे में क्या ही बताना, ये तो आप जानते ही हैं कि भला कौन नहीं जानता है कि क्या कुछ हो रहा है स्टार प्लस के फैमिली ड्रामा शो ये हम मोहब्बतें में। और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि लीव के बाद की कहानी इतने ड्रामे से भरपूर होगी। जहां रमन की याददाश्त आने से पहले शो में इतना सब कुछ दिखाया जा रहा है, वहीं अगर बीते एपिसोड की बात करें तो उसमें आपने देखा कि आलिया के साथ मिलकर इशिता भल्ला हाउस के साथ वाले पड़ोसियों को धमकाती है जिससे वो घर उन्हें बेचकर चले जाएं, और इशिता इसमें कामयाब भी हो जाती है और वो पड़ोसी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ में इन सबसे इशिता से सिम्मी काफी चिढ़ रही होती है। साथ ही इशिता और रमन इस बात पर बहस हो जाती है कि इस साल सीईओ ऑफ द ईयर का खिताब कौन जीत कर जाता है, जहां रमन को इस बात का घमंड है कि हर बार वही जीतता है और इस बार भी वही जीत कर जाएगा, लेकिन इशिता उसे चैलेंज कर देती है कि इस बार तो वही जीतेगी। अब इसके आगे की अपडेट ये दे देते हैं आपको कि जैसा कि आप देख रहे हैं दरअसल वैसा होने नहीं वाला। हमारा मतलब है कि इशिता ने रमन को चैलेंज तो कर दिया है कि वही जीतेगी इस बार, लेकिन इशिता ऐसा करेगी नहीं और वो अपने रमन को जितवा देगी सीईओ ऑफ द ईयर का खिताब ताकि वो उसे खुशी दे सके। और भी तमाम सीरियल अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।